हार्दिक सुरागिया न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। बाजपुर में तहसील दिवस का आयोजन, जसपुर में खनन पर वन विभाग की कार्यवाही, रामनगर स्थित एक वाइन शॉप में लाखों की चोरी, ऋषिकेश में भाजपाइयों ने पुण्यतिथि पर अटल जी को समर्पित की श्रद्धांजलि, जिला कारागार अल्मोड़ा में 5 दिवसीय ध्यान शिविर का सफलतापूर्वक समापन। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ विकास मिश्रा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ विशाल मिश्रा ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल जनता की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम ललित नारायण मिश्र ने जनता की समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर करने हेतु तहसील दिवस आयोजित करने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। इन्होंने बहुत वृक्ष बनवाया मेरे साथ, इस विभाग ने लगभग मेरे हाथों से 2000 वृक्ष बनवाए। क्या क्या चल रहा है? राजस्व को आगे रखा है कि राजस्व के मैटर ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद देखिए हमारा जो तहसीलों में हम तहसील दिवस के रूप में इसको जिसमें जन शिकायतें आती हैं आयोजित करते हैं, सबका रोस्टर होता है। आज बाजपुर का रोस्टर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपनी ग्रीवांस लेके मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट तरह की ग्रीवांसेज हैं, जिसमें पेंशन है, राशन को लेकर के है, फॉरेस्ट को लेकर के है, ऐसे ही वेटरनरी डिपार्टमेंट को लेकर के है, ड्रेनेज को लेकर के है, तो डिफरेंट विभाग की समस्याएं हैं जिसका मौके पे ही निदान किया जाएगा और अभी ये चल रही है। पूरी जो शिकायतों पे सुनवाई है ये लगातार जारी है। देखिए कभी कभी लैंड संबंधी डिस्प्यूट होते हैं जिनका समाधान इमीडिएटली नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, या हो सकता है कहीं कोर्ट केस चल रहा हो, तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं इनमें समय लगना स्वाभाविक होता है और जो प्रोसीजरल टाइम है उसको जीरो नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ पे डिले हो रहा है, जहाँ प्रोसीजरल टाइम के बावजूद भी डिले हो रहा है, वहाँ संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव को सब धूमधाम से मनाएं। साथ ही मैं त्रिलोक सिंह चीमा, विधायक काशीपुर, आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान की तहत अपने घर तिरंगा अवश्य लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, सारी जनता को और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, एशिया मेडलिस्ट और उत्तराखंड वेटलिफ्टिंग का महासचिव होने के नाते आप सभी क्षेत्रवासियों से ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को खेलों से नाता उनका जोड़ें और हमारी यही कोशिश है कि हमारा देश नशे से दूर हो और खेलों से जुड़कर एक महान हस्तियां पैदा करें और देश का मान सम्मान और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाए। सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन ये है जो हमारे शहीद वीर जवानों ने हमारे देश को आज़ाद किया था, इतनी मुश्किलों में उन्होंने जंग लड़ी थी, उनके बलिदान को हम भुला नहीं सकते कभी जिंदगी में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वर्ष हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, तो मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि आप लोग भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें व बढ़ चढ़कर इसे मनाएं। जय हिंद, जय भारत। जसपुर में NH-74 हाईवे पर प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा गया, जिसमें उपखनिज भरा हुआ था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चले गए
वन विभाग को जैसे ही किसी खनन की गाड़ी की सूचना मिलती है तुरंत हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। सुबह मॉर्निंग में हमें एक जो है अवैध उत्खनन ले आता हुआ वाहन की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने जो है स्टाफ से चेकिंग कराई, उसमें हमें एक वह डंपर हमने पकड़ा है जिसका नंबर है UPBN 2505 है। उससे हमें रॉयल्टी जब देने के लिए कहा तो उसके द्वारा हमें 50 क्विंटल की रॉयल्टी दिखाई गई, जबकि वाहन में 500 क्विंटल से भी ऊपर का माल भरा हुआ था। तो हमने तत्काल उस जो है डंपर को सीज कर दिया है और उस पर जो है सीज करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं पुष्प अग्रवाल आप सभी उत्तराखंड व काशीपुर वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अपने घरों में व अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य लगाएं, स्वतंत्रता की इस पावन मेला में प्रतिभाग दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आपको पता हुआ कि हमारे भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो आप अपने घर पे अपने क्षेत्र में तिरंगा जरूर लगाएं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार सभी देशवासी हर घर तिरंगा बड़ी धूमधाम से मनाएं। ग्राम प्रधान रीना ग्राम पंचायत गोपीपुरा से समस्त क्षेत्रवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। काशीपुर के आर्य नगर स्थित अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह चंडोक सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुर नगर मंडल द्वारा नेहा गैस एजेंसी आर्य नगर वार्ड नंबर 18 में आज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं सम्मानित हमारे इंतजार हुसैन जी के कार्यालय पर हमने आज महान चिंतक विचारक और लेखक कवि समाज सेवी राष्ट्र शिल्पी हमारे पथ प्रदर्शक और राष्ट्र के मैं कहता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि हमने यहाँ पुष्पांजलि कर पुण्यतिथि को मनाया। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि 9 बार के सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा में रहे और 3 बार प्रधानमंत्री रहे, ऐसे मैं कहता हूँ। और हमारे पूर्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी हमारे अटल जी रहे। और मैं ये कह सकता हूँ एक ऐसी हस्ती एक ऐसी पवित्र आत्मा जो जो इस हमारी भारतीय भूमि पर आई थी। और मैं कहता हूँ कि आज सभी कार्यकर्ताओं को उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। तो मैं उनकी एक दो कविता का 2 लाइनें आपको सुना दूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, भीड़ प्रलय की घोट घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे, यरी ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पार्षद वार्ड नंबर 2 दीपचंद जोशी अपने क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि इस अमृत महोत्सव को मनाने में वो सभी अपने घरों में तिरंगा लहराएं और ये मुहिम को बहुत ही आगे ले जाएं। धन्यवाद। हिंदू राज शक्ति परिवार की ओर से समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा विश्वास है कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ नया इतिहास रचेगा। रामनगर में
में नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज के समीप शहीद भगत सिंह चौक के पास स्थित देसी शराब की दुकान में पिछले हिस्से की दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी एवं भारी मात्रा में शराब चोरी कर पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी। मामले में दुकान के सेल्समैन द्वारा कोतवाली पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर सौंपी गई है। संवाददाता कैलाश सवाल की रिपोर्ट। देखिए अभी एक सेल्समैन के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है कि उसकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा अपन गले में रखती कुछ नकदी और कुछ वाइन की बोतलें और कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुझे दर्ज कर दिया है, बेचना की जा रही है। 14 अगस्त की रात को एक दिन की छुट्टी होती तो सेल्समैन लोग अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद वो कैश को क्या करते हैं कि उस दिन संडे था तो कैश को दुकान में ही रख जाते हैं, अगले दिन जमा करते हैं, इस दिन बैंक खुलता है। तो लगभग 2 लाख के आसपास की चोरी का आंकलन है। कुछ शराब ले गए हैं, आबकारी का FL 36-5, आबकारी का रजिस्टर, ये चीज़ ले गए हैं। बाकी अन्य चीज़ें की हम अभी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या आंकलन उसका पूरा लगा रहे हैं, क्या क्या ले गए हैं, क्या क्या नहीं ले गए। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में काफी लंबे समय से आंदोलनरत समिति के लोगों ने कहा कि जन विरोधी विकास प्राधिकरण को समाप्त करने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि भाजपा सरकार ने पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को समझे बगैर विकास प्राधिकरण लागू कर दिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर नगर निगम के पंडित दीनदयाल पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी प्रखर वक्ता और कुशल प्रशासक थे, जिसकी वजह से विपक्ष भी उनकी खूबियों को बिना किसी हिचक के स्वीकार करता था। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र की ओर से उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत्सत नमन करती हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कि सदैव जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे और जो एक पौधा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रोपा था, आज वो बड़ा विशाल वट वृक्ष बन चुका है। ऐसे अटल इरादों वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनको नमन करते हैं और सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि उनकी पुण्यतिथि पर हम आज ये संकल्प लें कि जो उनके सपने थे, जो हमारे सभी को उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया था जैसे वो चाहते थे, उनके सपनों पे हम आगे बढ़े, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे हम आगे चलें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला कारागार अल्मोड़ा में 5 दिवसीय योग और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।